हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट अकेडमी केस नंबर वन चल रहा था हमारे पास केस वन सीरीज आर एल नेटवर्क सीरीज आर एल नेटवर्क ओके चलो ठीक है एक सीरीज आर नेटवर्क के बारे में बात चल रही थी डिस्कशन कंटिन्यू था सीरीज आर एल सर्किट को कल मैं बोल रहा था लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट सीरीज आर एल सर्किट इज रिफर्ड एज लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट क्यों क्योंकि करंट लैग कर रहा था करेंट का लैगिंग मतलब लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट होता है ये बात आपको ऊपर पता चल गई ओके अब अगर मैं बोलूं कि एक सीरीज आर एल नेटवर्क है पता है इसका इम्पडेंस कितना होता है आर प्लस जे एक्स दैट मीन्स आर प्लस जे ओमेगा एल अगर मैं इंपर्डेंस फेजर डायग्राम बनाऊं तो रेफरेंस ना आर होता है क्योंकि इसका एंगल जीरो होता है ये आपके पास हो गया ओमेगा एल दैट जे ओमेगा एल क्योंकि एंगल नाइन्टी डिग्री इसका जीरो डिग्री इसका नाइन्टी डिग्री इसको आप एक्सएल भी लिख सकते हो जी एंगल फाइव जेड इंपडेंस का एंगल पता है इंपिडेंस का मैग्नीट्यूड कितना होता है अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्र एल फेजर डायग्राम इंपेडेंस का फेजर डायग्राम कम लोग यूज करते हैं टर्मलॉजी बनाते तो है लोग इंपेडेंस फेजर डायग्राम हम बोल रहे हैं फेजर डायग्राम नॉर्मली फेजर डायग्राम जो होता है वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप होता है बट सीरीज सिर्फ नेटवर्क चल रहा है इंपेडेंस इज आर प्लस जीरो आर एंगल इज जीरो तो जब मैं इंपेंडेंस की बात करूंगा आर हमेशा रेफरेंस होगा क्योंकि आर का एंगल जीरो होता है ओमेगा एल का एंगल नाइनटी डिग्री है ज है लगा हुआ है और रिजल्टेंट ये आपके पास फाइव जेड हो गया तो अगर मैं बोलूँ कि बताओ यार ये तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तो आप बोलोगे सर इसका मैग्नीट्यूड सर एक्स स्क्वेयेर प्लस वाई स्क्वेयर होगा सर मैं बोलूँगा ठीक बात है एंगल ऑफ जेड कितना होगा जिसको आप फाइव जेड बोल सकते हो फाइव जेड सर ये तो टेन वर्स ओमेगा एल बाई आर होगा तो मैं बोलूँगा ठीक है टेन वर्स ओमेगा एल बाई आर है ये तो पॉजिटिव एंगल है ये तो पॉजिटिव एंगल है तो फाइव जेड की वैल्यू पॉजिटिव हो गया ठीक फाइव जेड की वैल्यू पॉजिटिव होगी ओके okay. सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी आप एक डायग्राम बनाते एक का, उसका हो तो एक सवाल ही नहीं होता है ओके okay. कल हम बोल रहे थे नेटवर्क जो होता है लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट होता है बिकॉज करेंट लेक करता है बिकॉज करेंट क्या करता है लेक करता है यस ओके तो अब हमारा जो डिस्कशन था अगर आपको कल का अगर याद हो कि अगर मैं बोलूं कि ये हमारे पास था वी आर करेंट हमारा रेफरेंस फेजर था ये था वी एल और ये रिजल्टेंट था दिस द फाइ और ये आपके पास था रिजल्टेंट ऑफ वी दैट मीन द अंडर रूट वी आर प्लस वी एल ये हमारा था और ये करेंट वाला ये था बना ले तो आई इज द रेफरेंस फेजर कल की बात थी रेफरेंस फेजर है दिस वन ओके चलो देखना ध्यान देखना हमको पता है कि करंट लेक कर रहा है वी आपके पास लीड कर रहा है कॉस फाइव की वैल्यू कितना था कॉस फाइव की वैल्यू मैं बोला था कॉस फाइ की वैल्यू वी आर बाई वी होता है कॉस फाइव की वैल्यू वी आर बाई वी है ओके okay. ये कॉस फाइव की वैल्यू जब मैं बोलता हूं ना कि कॉस फाइव की वैल्यू ये दिस वन कॉस फाइव की वैल्यू ये देखा आपके पास ध्यान ना कॉस फाइव की वैल्यू इसका मतलब पता है वी आर इक्वल टू ना आई आर होता है और ये वी होता है दिस वन डिस आपको पता ही है ये तो आपको पता है कि अपन भी होते हैं अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो करेंट अगर आपके पास लैक कर रहा है और अगर मेरे पास अगर कॉस फाइव की वैल्यू सपोज करो अगर मेरे पास ये वैल्यू है क्या वैल्यू आपके पास अगर मैं बोल दू कि ये थ्री वोल्ट है और ये फोर वोल्ट है तो रिजल्टेंट फाइव वोल्ट हो गया चलो ठीक बात है तो कॉस फाइव की वैल्यू कितना होगा समझना कॉस फाइव की वैल्यू होगा थ्री बाई फाइव जीरो पॉइंट सिक्स जीरो पॉइंट सिक्स होगा फाइव की वैल्यू कितना होगा बता फाइव की वैल्यू स इनवर्स जीरो पॉइंट सिक्स और कॉस इनवर्स जीरो पॉइंट सिक्स की वैल्यू अगर मैं देखूं आपके पास की कॉस इनवर्स जीरो पॉइंट सिक्स की वैल्यू कितना होगा तो फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री होगा कॉस फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री जो होता है जीरो पॉइंट सिक्स होता है तो फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री इसका क्या मतलब है अगर मैं बोलूं इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि यह पावर फैक्टर है कल की बात कर रहे थे अपन कि पावर फैक्टर जो होता है आपके पास वो ये स्पेसिफाई करता है कि करंट कितने एंगल से लीड या लैग कर रहा है अगर पावर फैक्टर आपके पास फिफ्टी थ्री पॉइंट वन ऊपर से हमको पता है कि लैगिंग पावर फैक्टर होता है हमको पता है कि करंट लैग कर रहा है ये वी जो है वो लीड कर रहा है कितने एंगल से फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री से इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसा आई बना दे रहा हूं जिसकी वैल्यू रेफरेंस फेजर है तो आपके पास जो वी होगा वो फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री से लीड कर रहा है अगर आप बोल रहे हो कि फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री से वी लीड कर रहा है तो आई इसका मतलब इसका मतलब लैक कर रहा है देखो तो अगर मेरे को बोला जाए कि देखो ये आई है और ये वी है और फिफ्टी थ्री पॉइंट से वी रिजल्टेंट वोल्टेज रिजल्टेंट करंट से लीड कर रहा है इसका मतलब है पावर फैक्टर जो होगा आपके पास वो लैगिंग होगा क्योंकि करंट लैक कर रहा है देखो ध्यान से पावर फैक्टर आपके पास ये होगा हमको चीजें चीजें बड़ी अच्छे फॉर्म में क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे देख पाते हैं तो कल पावर फैक्टर की सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे थोड़ी थोड़ी बात हम बढ़ाते जाते हैं तो मैं बोल रहा हूं कि देखो पावर फैक्टर की वैल्यू आपके पास जो है जब आप ऐसा लिखते हो जब आप ऐसा लिखते हो कॉस फाइव इक्वल टू वी आर बाई वी आर बाई वी है पावर फैक्टर की वैल्यू में वी आर थ्री ले लिया ये फोर ले लिया तो फाइव हो गया थ्री बाई फाइव जीरो पॉइंट सिक्स है ये फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री आ रहा होगा चेक भी कर सकते हो आप ओके okay, ठीक है तो अगर मेरे पास अगर मेरे पास फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री पावर फैक्टर है अब मेरे को ये पता रहना चाहिए कि जब भी आप इससे फाइंड आउट करोगे कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं क्योंकि ना कॉस फाइव का रिजल्ट कभी नेगेटिव कैसे हो जाएगा यार आप जब भी सॉल्व करोगे वी आर बाई वी है तो नेगेटिव कैसे आ जाएगा ये नेगेटिव आ नहीं सकता अगर आपको एंगल पता है है तो चाहे आपके पास एंगल लीड करे चाहे ले, करे आपके पास क्वेश्चा का रिजल्ट तो नेगेटिव होगा नहीं ओके ध्यान से समझना इस बात को अब मैं बोल रहा हूं कि आई आर ये और वी की वैल्यू पता है होता है और आई आई कैंसल आउट तो पावर फैक्टर इक्वल टू तो आर बाई जेड आ गया पावर फैक्टर इक्वल टू तो आर बाई जेड आ गया पावर फैक्टर मैग्नीट्यूड वाइज पावर फैक्टर आर बाई जेड आ गया और अगर मैं बोलूं कि जेड की वैल्यू क्या होती है आपके पास तो क्या होता है पता है जेड की वैल्यू अंडरवूड आर स्क्वेयर प्लस

अगर दोनों के वोल्टेज इसी से निकला है दोनों के वोल्टेज बताओ आर का वोल्टेज और रिजल्टेंट वोल्टेज इससे भी निकलेगा इसका मतलब यहां से भी आप पावर फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो ये मैग्नीट्यूड ऑफ पावर फैक्टर है ये मैग्नीट्यूड ऑफ पावर फैक्टर है अगर मैं आर बता दू एल बता दू तो आप ये नहीं बता सकते कि लीड कर रहा है कि लैक कर रहा है बट इंडक्टर है इसलिए ठीक है कि हमको पता है कि एक इंडक्टर लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट होता है ये वी आर बाई वी है इससे भी आपके पास नंबर निकल जाएगा कि वी आर बाई वी दिस बट अगर आपके पास करंट भी पता हो रिजल्टेंट करंट भी पता हो रिजल्टेंट वोल्टेज भी पता हो लाइक like दिस कि अगर मेरे पास एक सर्किट है जिसमें करंट मेरे को पता है कि इनपुट करंट की वैल्यू मेरे पास जो है वो टेन साइन ओमेगा टी प्लस थर्टी डिग्री है दिस वन और एक रिजल्टेंट वोल्टेज की वैल्यू आपके पास हंड्रेड साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री है दिस वन ये आपके पास है अब समझना समझना एग्जाम्पल लेते जा रहा हूं इसका मतलब है कि अगर मेरे पास साइन ओमेगा रेफरेंस है अगर साइन ओमेगा मेरे पास रेफरेंस है साइन ओमेगा अभी इसके बारे में ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता हूं बहुत ही डिटेल में बात करेंगे अपन तो पता करेंट ना रेफर अपने रेफरेंस से थर्टी डिग्री लीड कर रहे करेंट ना अपने रेफरेंस से थर्टी डिग्री लीड कर करेंट है ये करंट आपके पास एक्चुअली करंट इज द साइन ओमेगा टी द रेफरेंस तो करंट इस साइन ओमेगा टी से लीड कर रहा है बट वोल्टेज ना वोल्टेज इस साइन ओमेगा टी से ना 90 डिग्री लीड कर रहा है दिस वन दिस इज वोल्टेज वी ये वी ऑफ टी आपके पास साइन ओमेगा टी से 90 डिग्री लीड कर रहा है दिस वन ये 90 डिग्री लीड कर रहा है बट अगर मैं ध्यान से देखूं करंट और वोल्टेज के बीच की बात करूं तो आपके पास क्या हो रहा है पता है करेंट और वोल्टेज के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस है और वोल्टेज लीड कर रहा है 60 डिग्री से वोल्टेज आपके पास लीड कर रहा है इसका मतलब है कि रैंडमली कहीं पे भी आप अगर करंट बनाते हो ये आई ऑफ टी है आई ऑफ टी है तो अगर मैं बोलूं कि देखो आपके पास ये ये देखो 60 डिग्री से वोल्टेज लीड कर रहा है और अगर 60 डिग्री से वोल्टेज अगर लीड कर रहा है इसका मतलब करंट लैक कर रहा है तो आप यहां पर बोल सकते हो कि करंट लैक कर रहा है सिक्सटी डिग्री से और वोल्टेज लीड कर रहा है सिक्सटी डिग्री से देखो ध्यान से तो हमको हमको बहुत अच्छे भाव में पता होना चाहिए हमको बहुत ही क्लियर फॉर्म में पता होना चाहिए कोई बोल कि इस पूरे वोल्टेज को आप रेफरेंस ले लो कोई बोले कि इस पूरे वोल्टेज को आप रेफरेंस ले लो रेफरेंस मतलब पता है क्या साइन ओमेगा पता पता है है रेफरेंस रेफरेंस हो हो गया ये हो गया ये तो पता है करेंट क्या होगा करेंट ये होगा आपके पास आई ऑफ टी कैसे इसमें से अगर मैं माइनस कर दू क्लॉक वाइज सिक्सटी डिग्री क्लॉक वाइज सिक्सटी डिग्री देखो आपके पास करेंट देखो लैक कर रहा है और करंट लैक कर रहा है पता है आपके पास इसका मतलब जो एंगल है वो 60 डिग्री है एंगल जो सिक्सटी डिग्री कोई बोल सकता है सर माइनस लिख दे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज अगर आप बोल दो कि, कि फाइव सर मैं माइनस सिक्सटी लिख दू क्या कोई बोल देगा कि सर फाइव तो माइनस सिक्सटी लिख दू क्या कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज कॉस सिक्सटी लिखो और कॉस माइनस सिक्सटी लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉस सिक्स जीरो पॉइंट फाइव कॉस माइनस सिक्सटी भी जीरो पॉइंट फाइव इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास इंपॉर्टेंट ये कि करंट लीड कर, कर, तो कर रहा है कि लैग कर रहा है तो करंट लैग कर रहा है सिक्सटी डिग्री से करंट नीचे भाई क्लॉकवाइज वाइस मतलब नेगेटिव एंगल होता है तो करंट लैग कर रहा है तो आंसर क्या होगा बताए जीरो पॉइंट फाइव लैगिंग आंसर क्या होगा जीरो पॉइंट फाइव लैगिंग होगा बिकॉज करेंट लैग कर रहा है इसका रेफरेंस हमारे पेट बेस्ड होता है कि हमको रेफरेंस किसको लेना है और कैसे लेना है तो मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूं तो मैं अगर बोल रहा हूं कि देखो वोल्टेज अगर लीड कर रहा है सिक्सटी डिग्री से इसका मतलब करंट लैग कर रहा है अगर वोल्टेज बोलोगे तो लीड कर रहा है बाई 60 डिग्री किससे यार करंट से अगर आप करंट बोलोगे तो करंट लैग कर रहा है बाई 60 डिग्री दोनों की बात है वोल्टेज का लीड करना 60 डिग्री मतलब करंट का लैग करना 60 डिग्री तो अगर मैं पावर फैक्टर की बात कर रहा हूं तो लैगिंग पावर फैक्टर है बिकॉज करंट लैग कर रहा है तो इसको बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर करेंट का लैग करना ये लैगिंग पावर फैक्टर ओके तो अभी धीरे धीरे हम बात करेंगे तो पावर फैक्टर पर क्यों इतना फोकस कर रहे हैं मैथमेटिकली क्योंकि जब भी हम कॉम्प्लेक्स सर्किट पढ़ते हैं तो इसके बिना बात ही नहीं होती है.

ये 30 है 90 या 60 से लीड कर रहा वोल्टेज बना दिया रेफरेंस साइन बनाया तो साइन ओमेगा टी प्लस थर्टी डिग्री है तो करंट ना इस ओरिजिनल साइन से 30 डिग्री लीड कर रहा है और वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर, तो कर रहा है तो वोल्टेज इस करंट से 60 डिग्री लीड कर रहा है तो वोल्टेज लीड बाय 60 डिग्री या करंट लैग बाय 60 डिग्री मतलब लैगिंग पावर फैक्टर है कैसे ये करंट बना लिया आपके पास रेफरेंस तो वोल्टेज देखो सिक्स डिग्री से लीड कर रहा है अगर ये करंट ऐसा है तो अगर ये वोल्टेज बना दिया रेफरेंस तो फिर करंट देखो सिक्सटी डिग्री से लैग कर रहा है हमारे पे डिपेंड करता है इसको बोलते बेसिक बेसिक स्टाइल तो 560 डिग्री लिखो चाहे -60 डिग्री लिखो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज़ cos -60 और cos +60 एक ही होता है इंपॉर्टेंट क्या है कि करंट लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है तो करंट इज लैगिंग तो पावर फैक्टर 0.5 लैगिंग हो गया आपके पास अच्छे से दिखाना एकदम तो धीरे से स्टार्ट किया मैं रिजल्ट वाइज धीरे से स्टार्ट किया बोला अब हम धीरे-धीरे समझेंगे धीरे धीरे समझेंगे बोला पूरे पॉइंट्स को आप नोट करते जाएंगे पावर फैक्टर के रिजल्ट को समझेंगे कि कब कौन सा रिजल्ट यूज होने वाला है कोई हमसे क्या पूछना चाहता है कोई हमसे क्या पूछना चाहता है बड़ा इंपॉर्टेंट है अब देखना ध्यान से अगर यही पे है यही पे आप नोट भी कर रहे होंगे जेड इक्वल टू क्या होता है जेड इक्वल टू होता है वी बाई आई पता अगर मैं बोल दूर कि एंगल ऑफ जेड कितना होगा तो पता है एंगल ऑफ वी माइनस एंगल ऑफ आई होगा दिस वन ये अब सोचो कि करंट अगर लीड कर रहा है तो करंट आगे है तो करंट अगर आपके पास लीड कर रहा है तो फाइव जेड नेगेटिव होगा इसका मतलब है कि अगर मैं लैगिंग पावर फैक्टर की बात कर रहा हूं लैगिंग पावर फैक्टर की बात कर रहा हूं इसका मतलब फाइव आई की वैल्यू लेस देन फाइव वी होगा और अगर ऐसा है तो फिर फाइव जेड की वैल्यू पॉजिटिव होगा यार देखो ध्यान से इसका मतलब है कि पावर फैक्टर जो होता है ना पावर फैक्टर पावर फैक्टर एंगल पावर फैक्टर एंगल प्रपोर्शनल टू फाइव आई इसका मतलब है कि करेंट का लैक करना मतलब पावर फैक्टर करना, करना, करना। फाइवेड का एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाइव आई है करंट अगर लीड करेगा तो एंगल ऑफ इंपोर्टेंस लैक करेगा क्योंकि देखो वी अपन आई होता है इसका मतलब पता आपके पास क्या हुआ पावर फैक्टर जो एंगल होता है आपके पास वो प्रोपोर्शनल टू फाइव होता है ये ऐसे-ऐसे होते जाते हैं इसका मतलब धीरे-धीरे क्योंकि मतलब अगर कोई बोल रहा है कि करंट लैक कर रहा है बताओ तो मैं बोलूंगा पावर फटा लैक करेगा सही बात है करंट लीड कर है तो पावर फटा क्या करेगा लीड करेगा पता है जब भी करंट लैक करता है ना करंट लैक मतलब किससे करेगा हवा में थोड़ी लैक करेगा वोल्टेज से दो पैरामीटर वोल्टेज करंट

पॉजिटिव होता है एंगल एंगल तो वही रहेगा एंगल जो भी आपके पास देख रहे हैं एंगल विल भी सेम जैसे हम एंगल लिख रहे हैं बस लीडिंग और लेगिंग आपके पास है तो जस्ट आप इस वाले पॉइंट्स को ध्यान से नोट करना तो जब आप बोलते हो ना कि एक सीरीज आर एल नेटवर्क है सर ये देखो ये ध्यान देखना ये है आ, थ्री ओम ये फोर हेनरी देखना ध्यान से मैं कैसे बात करता हूं ये वोल्टेज टेन साइंटी ठीक है एक सिग्नल दिए टेन साइंटी थ्री ओम और फोर हैनरी एक सीरीज आइडल नेटवर्क बनाया मैं एक साइनसोडल सिग्नल डाल दिया ए सी पता है इसमें ओमेगा कितना है देखो ओमेगा कितना है इसका ओमेगा अभी देखो हेनरी है ओम चाहिए ये इसका ओम मतलब जे ओमेग एल होता है पता है जे ओमेग एल अब देखो ओमेगा ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितना देखो साइंटी में ओमेगा वन है तो ओमेगा वन है तो जे वन और एल की वैल्यू फोर है पता है जे फोर ओम है ये ये जे फोर ओम है उमेगा वन है उमेगा क्या है वन देखना ध्यान से अब अगर मेरे पास एक थ्री ओमर फोर रही है बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें हैं आराम से देखते जाना है मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि डरने की नीड नहीं है कुछ बहुत बड़ा सा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ 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 कुछ, कुछ नहीं है छोटी छोटी स्मॉल डिटेलिंग है और सब एक दूसरे से रिलेटेड है और मैं क्या बोल चुका हूं जिस दिन मैं बोलूंगा कि मेरा पावर फैक्टर का डिस्कशन खत्म हो गया उस दिन मेरे नेटवर्क की लास्ट क्लास होगी और मेरा नेटवर्क एंड हो जाएगा इसका मतलब जब तक मैं नेटवर्क अब पढ़ाऊंगा पावर फैक्टर के बिना नहीं पढ़ाऊंगा इसका मतलब पावर फैक्टर की स्टोरी छोटी मोटी नहीं है जब तक नेटवर्क एंड नहीं होगा पावर फैक्टर चलते रहेगा जिस दिन पावर फैक्टर की स्टोरी एंड मेरा नेटवर्क भी एंड हो जाएगा हाँ मैं बोल रहा हूँ थ्री ओम फोर हैनरी 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 जियो मेगैल होता है इसका फेजर फॉर्म ओमेगा इज द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ओमेगा वन ले लिया देखो तो J4 हो गया अगर मैं बोलूं कि यार इसका पावर फैक्टर बताओ ध्यान से सुनना इसका पावर फैक्टर तो कोई बोलेगा सर इसका पावर फैक्टर क्या होता है तो कोई बोल सकता है सर इसका पावर फैक्टर सर आप ऐसा लिखो ना R बाई जेड और R बाई जेड को सर R अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क् लिखो ना सर तो R मतलब थ्री अंडर रूट आर स्क्वेयर मतलब थ्री का स्क्वायर और ओमेगा एल मतलब फोर तो फोर का स्क्वेयर तो ये ट्वेंटी फाइव हो गया थ्री बाई फाइव जीरो पॉइंट सिक्स हो गया देखो जीरो पॉइंट सिक्स आ गया यार पावर फैक्टर जीरो पॉइंट सिक्स लेकिन ये पता चल सकता है कि लैग है के लीड हो रहा है लेकिन हमको पता इंडर जीरो पावर फैक्टर सर्किट ये देखो आपके पास सर्किट का दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका है कि इसका इंपिडेंस क्या, इस क्या होता है आर प्लस जे ओम गया तो पता है आंसर कितना है थ्री प्लस जे फोर देखना ध्यान से इंपिडेंस ऑफ दिसल नेटवर् थ्री प्लस जे फोर क्या थ्री प्लस जे फोर मैं बोलूंगा बताओ इस इंपिडेंस का एंगल बताओ इंपिडेंस का एंगल आप बोलोगे सर टेन इनवर्स फोर बाई थ्री पता है फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री होता है फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री होता है फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री अगर फिफ्टी थ्री पॉइंट का एंगल है इसका मतलब है कि वोल्टेज ना करेंट से फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री से लीड कर रहा है वी बाई आई होता है वी बाई आई होता है पता है आपको इंपिडेंस तो इंपिडेंस का एंगल क्या होगा वोल्टेज का एंगल माइनस करेंट का एंगल तो वोल्टेज का एंगल करेंट के एंगल से फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री से लीड कर रहा है ज्यादा है ना पॉजिटिव वैल्यू है तो करंट क्या कर रहा है करंट लैक कर रहा है फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री से दिस वन अब आपके पास क्या है कि अगर आपको पावर फैक्टर बोलना है ध्यान देखना पावर फैक्टर बोलना है तो आप बोलते हो कॉफ फाइव मैं तो बोल रहा हूं कि आप कॉस फाइव जेड बोलो ना क्या डरने की जरूरत है फाइव को फाइव जेड बोलो कोई भी प्रॉब्लम नहीं पता फाइव को फाइव जेड बोला पता आंसर क्या होगा कॉस फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री पता कॉस फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री का आंसर अगर मैं बोलूँ तो कितना आ गया जीरो पॉइंट सिक्स जैसे वहां पर जीरो पॉइंट सिक्स आ गया आंसर ये देखो इसका इंपिडेंस मतलब, का एंगल पता है तो इसका मतलब है कि पावर फैक्टर तो पावर फैक्टर इक्वल टू इंपेडेंस एंगल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यार इंपिडेंस एंगल इक्वल टू पावर फैक्टर एंगल सच में यस तो पता है ये देखो आ गया अब बस ये है अब क्या है ध्यान से जीरो पॉइंट सिक्स फिफ्टी परसेंट आंसर है फिफ्टी परसेंट आंसर क्या बचता है लीडिंग या लैगिंग अब का एंगल जो था का एंगल पॉजिटिव है अगर इंपेडेंस का एंगल पॉजिटिव है तो आप बिंदासी से बोलो कि पावर फैक्टर लैगिंग होगा क्यों क्योंकि पावर फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सिटी एंगल होता है इंपेडेंस का पॉजिटिव एंगल मतलब पावर फैक्टर लैगिंग और इंपेडेंस का नेगेटिव एंगल मतलब पावर फैक्टर लीडिंग एकदम क्लियर कट तो अभी पता है जीरो पॉइंट सिक्स है बट मैं लीडिंग लिखूं कि लैगिंग लिखूं तो मेरे को पता चला कि इंपेडेंस का एंगल फिफ्टी थ्री पॉइंटिटिव था तो मेरे को आंसर क्या लिखना है लेगिंग जीरो पॉइंट सिक्स लेगिंग हो गया एक अलग बात है कि चलो आपको तो ये पता चल गया कि आर एल नेटवर्क को लैगिंग पावर फैक्टर सर्किट बोलते हैं एक अलग बात है बट मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास एक रैंडम नेटवर्क का अगर आपके पास एक इंपेडेंस अगर दिया है इंपेडेंस का मैग्नीट्यूड दिया है इंपेडेंस का एंगल दिया है तो मैं से कोई पावर फैक्टर पूछ सकता है क्या यस yes, मैं से कोई पावर फैक्टर पूछ सकता है

वल टू फाइव जीड है तो कॉस्ट फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री हो गया जीरो पॉइंट सिक्स क्या हो गया जीरो पॉइंट सिक्स इंपिडेंस का एंगल क्या कर रहा था लीड इंपिडेंस एंगल तो पावर फैक्टर क्या करेगा लैग दिस वन तो ऐसा करके अपन स्टार्ट करते छोटी छोटी चीजों को देखना तो मेरे को पता है कि एग्जाम वाले लोग क्या पूछेंगे उन मेरे को यह भी पता है कि उनको क्या पता है कि इंडिया के मैक्सिमम लोगों को अच्छे से क्या चीज नहीं पता है इसी चीज पे तो मैं रिसर्च करता हूं कि कोई पेपर फ्रेम करता है तो ये देखता है कि लाखों लोगों को डाउट कहां पे है पहला लाखों लोगों को क्या नहीं आता है अरे दस पचास सौ लोगों को तो गजब का आता है उनको छोड़ो ना यार हम तो बात कर रहे हैं इतने सारे लोगों की जिनको क्या नहीं आता है तो उसी थॉट पे तो क्वेश्चन पेपर फ्रेम होते हैं उसी थॉट पे दिस वन ये अब क्या है कि मैं बोला एक मस्त बात बताया कि फाइव इक्वल टू फाइव जेड मस्त इधर कैमरा क्या होता है सपोज करो एक नेटवर्क है नेटवर्क अभी नहीं दे रहा हूँ मैं आपको नेटवर्क है रैंडम नेटवर्क है और उस नेटवर्क का लोड जो है वो टेन ओम है ये टेन ओम है सपोज करो यहाँ पे एक वोल्टेज है वी नॉट यहाँ पे करेंट फ्लोर आई नॉट ठीक है चलेगा फिर इस सर्किट में इनपुट इंपर्टेंस जो है जेड आई एन जो है सपोज करो टेन एंगल ऑफ टेन एंगल ऑफ माइनस थर्टी सिक्स पॉइंट एट सिक्स है चलो ऐसा लिख लेते हैं यस एक एग्जांपल लिया ध्यान से देखना एक एग्जांपल लिया अब देखो मैं बोला कि एक नेटवर्क है आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट ओम लिखा हुआ और इनपुट इंपिडेंस टेन एंगल कितना अगर मैं बोलू कि माइनस थर्टी सिक्स पॉइंट एट सिक्स है ठीक है, है, है अगर मैं बोल दू कि सर फाइव जेड को फाइल ले लो ना सर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉपी कर लो मैं बोला कॉपी कर लेते तो मैं बोल रहा हूँ कि चलो पावर फैक्टर क्या होगा तो पावर फैक्टर सर कॉस्ट फाइव होता है कॉस माइनस थर्टी सिक्स पॉइंट एट सिक्स कर कोई फर्क सर क्योंकि पड़ता है कॉस के साथ माइनस और प्लस का वैल्यू क्या देखा कॉस थर्टी एट सिक्स पॉल तो जीरो कर रहा है देखो ना फाइव जेड तो लैक कर रहे माइनस थर्टी सिक्स पॉइंट एट इंपिडेंस एंगल कर रहे इंपिडेंस एंगल का लैक करना मतलब इंपेडेंस एंगल का लैक करना मतलब इंपेडेंस एंगल कर रहा है तो पावर फैक्टर क्या करेगा लीड तो जीरो पॉइंट एट लीड आंसर है क्वेश्चन का जीरो पॉइंट एट लीड है ये हुआ बेसिक जीरो पॉइंट एट लीड हुआ अब देखना सुनते रहना, ठीक है जीरो पॉइंट एट लीड हुआ बट इसमें मजा नहीं है ये ये तो मैं बता दिया इसलिए पता चल गया अपने को चलो ये तो मैं बता दिया इसलिए पता चल गया लेकिन आपको आपको बड़े अच्छे से समझना है क्या समझना है देखना समझना है बड़े अच्छे से और आप बहुत जगह पावर फैक्टर तो मतलब इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट की तो दुनिया है इलेक्ट्रिकल स्टूडें पावर इलेक्ट्रॉनिक जब पड़ेगा तब पावर फैक्टर की बात करेगा पावर सिस्टम पड़ेगा तब पावर फैक्टर की बात करेगा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पावर फैक्टर करेक्शन आपकी तो दुनिया ही पावर फैक्टर है ठीक है एक नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सभी के लिए है, बट इलेक्ट्रिकल वालों की तो दुनिया ही पावर फैक्टर है ठीक है देखते हैं ना अब क्या होता है बताओ आपके पास जब मैं बोलता हूं पावर फैक्टर तो एक्चुअली ना दो टर्म होते हैं पता आपके पास एक टर्म होता है एक टर्म होता है इनपुट पावर फैक्टर जिसको आप बोलते हैं सप्लाई पावर फैक्टर ये पता है आपके पास ये होता है एक इनपुट पावर फैक्टर जिसको आप सप्लाई पावर फैक्टर बोलते हो और एक आपके पास होता है लोड पावर फैक्टर ऐसा बहुत कम लोग सुने हैं लोड पावर फैक्टर लोड पावर फैक्टर अगर मैं लोड पावर फैक्टर बोलूं तो पता है क्या होगा कॉस फाइव एल होगा और पता फाइव एल क्या होगा फाइव एल होगा? होगा एंगल बिटवीन समझना आप एंगल बिटवीन लोड वोल्टेज एंड लोड करेंट एंगल बिटवीन लोड वोल्टेज एंड लोड करेंट सप्लाई पावर फैक्टर या इनपुट पावर फैक्टर होता है कॉस फाइव कॉस फाइव होता है इनपुट पावर फैक्टर सप्लाई पावर फैक्टर फाइव क्या होता है पता है फाइव एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करेंट एंगल बिटवीन इनपुट वोल्टेज इनपुट करेंट या एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करेंट ठीक है देखना सप्लाई करेंट ओके okay. ठीक है दो टाइप के पावर फैक्टर होते हैं एक इनपुट का पावर फैक्टर होता है और एक लोड का पावर फैक्टर होता है जिसको आप आउटपुट पावर फैक्टर बोल सकते कोई बोलता नहीं कभी लोड पावर फैक्टर मतलब कॉस फाइएल फाइएल इज द एंगल बिटवीन लोड वोल्टेज एंड लोड करेंट पता लोड वोल्टेज और लोड करेंट के बीच का एंगल कितना है रजिस्ट्री लोड है यार सोचो ना रजिस्ट्री लोड है क्या टेन ओम है यार तो टेन ओम के जितना वोल्टेज होगा उतना ही तो करंट डिवाइड बाय बस टेन तो होगा तो दोनों के बीच का एंगल नहीं हो सकता था फाइएल जीरो है

रजिस्ट्री लोड का पावर फैक्टर वन होता है यार सही बात है नहीं कितनी अच्छी बात है। किसी भी रजिस्ट्री लोड का लोड पावर फैक्टर वन होता है चलो अच्छी बात सप्लाई पावर फैक्टर या इनपुट पावर फैक्टर इनपुट पावर फैक्टर या सप्लाई पावर फैक्टर कॉस फाइव पता कॉस फाइव में फाइव क्या है एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करेंट यार अब देखो ध्यान से कि इनपुट इंपडेंस होता क्या है इनपुट इंपडेंस होगा इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करेंट का रेशियो यार इसी को तो आप सप्लाई वोल्टेज अपन सप्लाई करेंट का रेशियो बोल सकते हो एक ही तो बात है यार इनपुट वोल्टेज इनपुट करें इनपुट वोल्टेज मतलब सप्लाई वोल्टेज इनपुट मतलब सप्लाई सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करेंट का जो रेशियो होता है वो इनपुट होता है या इनपुट वोल्टेज इनपुट करेंट तो अगर मैं बोलूं बताओ एंगल लिखना है तो बताओ एंगल क्या होगा जेड पता है क्या होगा वी वी एस एस माइनस माइनस आई आई या एन आई एन इसका मतलब है कि इंपेडेंस का एंगल यही तो बताता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है अगर मैं बोल रहा हूं माइनस आ मतलब तो रहा है, मतलब क्या है? 5s, 5s से 36 होगा, तभी तो आएगा सोचो करेंट का एंगल कितना होना चाहिए वोल्टेज के एंगल में आप थर्टी सिक्स पॉइंट एट सिक्स एड करो

तभी तो थर्टी सिक्स पॉइंट एट सिक्स आएगा क्या हुआ करेंट का एंगल वोल्टेज के एंगल में थर्टी सिक्स एड होने के बाद ये आया आपके पास इसका मतलब क्या मतलब किडेंस का एंगल माइनस थर्टी सिक्स पॉइंट एट सिक्स आया तो एक्चुअली इंपेडेंस का एंगल क्या रिलेशनशिप देता है ये ये बताता है कि वोल्टेज और करंट का इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच का एंगल का रिलेशनशिप क्या है और यही तो इनपुट पावर फैक्टर सप्लाई पावर फैक्टर होगा तो पता आपके पास ये 36.86 से लीड कर रहा है भाई 36.86 से इसलिए मतलब है कि लीडिंग पावर फैक्टर दिखा रहा है ये सर्किट क्या दिखा रहा है लीडिंग पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर कितना तो कॉस 36.86 लीडिंग पावर फैक्टर मतलब कितना कॉस 36.86 जिसकी वैल्यू 0.8 आ जाएगा तो 0.8 ये ये य

ये जो एंगल होता है सप्लाई यहां पे इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट के बीच का एंगल यही वो एंगल होता है जो कि कि के के एंगल 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 को रिप्रेजेंट करता है है इसलिए के एंगल से आप आप लिख लेते हो हो और आप बोलते हमको आंसर पता है। तो इम्पिडेंस का एंगल अगर किसी का पता है इसका मतलब है कि आपको पावर फैक्टर पता है क्योंकि उस एंगल को अपन कॉपी कर लेंगे उस एंगल को कॉपी कर लेंगे बोला पावर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए इसका मतलब इनपुट इंपिडेंस आपको इनपुट पावर फैक्टर देता है यस

Plus ये ये कर 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 रहा है है इस वाले से से इसलिए इसलिए आप 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 बोल रहे हो 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 भी भी सकते सकते पे 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 करो करो बीच में और ये put करो तो अपने आप minus आ जाएगा इसलिए आप impedance के एंगल से क्या बता सकते हो क्या पावर फैक्टर में तो कोई लिखता नहीं सर सप्लाई पावर फैक्टर इनपुट पावर फैक्टर हाँ क्योंकि नेटवर्क वाले लोग पावर फैक्टर के बारे में कहां जानता कोई? की बात कोई करता है क्या देखना अब क्वेश्चन ये हुआ कि सर एग्जाम में तो लिखा रहेगा सर कि फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ दिस नेटवर्क यस क्वेश्चन क्या होता है इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट पावर फैक्टर फैक्टर बाय डिफॉल्ट वी विल कैलकुलेट पावर फॉर द इनपुट क्या बोला मैं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वी विल कैलकुलेट पावर फैक्टर फॉर द इनपुट दैट मीनस इनपुट पावर फैक्टर आज तक जितने भी इंडिया के एग्जाम हुए जो मैं सब एग्जाम को जो मैं देखता हूं उसमें ना आज तक कोई भी सब्जेक्ट हो आज तक लोड पावर फैक्टर की बात दो बार से ज्यादा मैं आज तक नहीं देखा है पीएसए के बारे में कम आइडिया रखता हूं पीएसए में कभी गया नहीं मैं मशीन में भी नहीं गया बस दो सब्जेक्ट थे और एक मेजरमेंट तीन ये तीन सब्जेक्ट के बारे में आए हुए नो आइडिया तो मेरे को नहीं पता इसमें और क्या आप करते होंगे करके इसके बारे में कोई आइडिया नहीं बाकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई लोड पावर फैक्टर की बात नहीं करता एवरी वन वी डिस्कस अबाउट द इनपुट पावर फैक्टर सप्लाई पावर फैक्टर पूरा पावर टाइम खत्म हो जाएगा लेकिन कोई लोड पावर फैक्टर के बारे में बात ही नहीं करता एवरी वन डिस्कस अबाउट द इनपुट पावर फैक्टर सप्लाई पावर फैक्टर तो सोचो कि जब मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा तो मेरे को एक्चुअली पता है तो मेरे को ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक में जो लिखा उससे ज्यादा गुड आइडिया रखता हूं मैं क्योंकि पावर टाइम्स की बुक तो पावर टाइम्स के अकॉर्डिंग बनी है कुछ 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 करते हैं लेकिन मैं तो ऐसी बात करूंगा आराम से तो इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पावर फैक्टर देन बाय डिफॉल्ट वी विल कैलकुलेट सप्लाई पॉवर फैक्टर इसका मतलब है कि कल अगर एक नेटवर्क का क्वेश्चन आएगा और बोलेगा कि पावर फैक्टर बताओ नहीं बताएगा वो इनपुट है कि लोड है दो बार आज तक यूज हुआ है। कोई बड़ी बात नहीं लोड पावर फैक्टर बोलेगा तो लोड के पास पहुंच जाएंगे पर कौन सी बड़ी बात है तो मैं बोल रहा हूं लोड पावर फैक्टर की बात अगर कभी कोई कर दिया धोखे से तो मतलब लोड का वोल्टेज और लोड के करंट के बीच का एंगल और कॉज जैसे कि कोई बोले कि लोड पावर फैक्टर बताओ अरे वन यार वन लोड पावर फैक्टर विल बी वन क्यों वन बिकॉज एंगल इज जीरो क्यों जीरो अरे रजिस्टर के बीच में वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल थोड़ी होता है तो लोड पावर फैक्टर इज वन सप्लाई पावर फेक्टर जीरो पॉइंट एट लीड क्यों लीड बिकॉज इंपिडेंस कलेक्ट कर रहा है इंपिडेंस कलेक्ट करने से क्या होता है इंपिडेंस कलेक्ट करने से करंट लीड करता है और पावर फैक्टर लीड मतलब ही करंट का लीड होता है इसलिए ओके तो यहां पे की पॉइंट क्या हुआ क्योंकि नेटवर्क में इतना डिटेलिंग नहीं होता है तो मैं कर दिया किफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द सप्लाई पावर फैक्टर देन बाय डिफॉल्ट वी विल कंसिडर इनपुट पावर फैक्टर बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वी विल कंसिडर इनपुट पावर फैक्टर बाय डिफॉल्ट वी विल कंसिडर द इनपुट पावर फैक्टर ये आपको क्लियर होना चाहिए बताए ये आपको क्लियर होना चाहिए इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर कोई हमसे बोले कि एक रैंडम सर्किट दे और बोले कि पावर फैक्टर फाइंड आउट करो तो हम कर सकते हैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल एम्पिटेंस का एंगल पता होना चाहिए इम्पिटेंस का एंगल पता होना चाहिए तब तो हम पावर फैक्टर निकाल लेंगे बिल्कुल 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 तो मैं एंगल में अगर मैं किसी को बोलूँ कि देखो फाइव के एंगल है ये सबको पता रहते हैं कॉस फाइव अगर करूँ कि जीरो डिग्री कितना होता है कॉस जीरो एट सभी को पता होता है वन होता है अगर मैं बात करूँ कि ये थर्टी डिग्री कितना होगा तो कॉस थर्टी जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स होता है रूट थ्री बाई टू अगर मैं फोर्टी फाइव करूँ तो कॉस फोर्टी फाइव सभी को पता होता है वन बाय रूट टू जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन अगर मैं सिक्सटी करूँ तो कॉस सिक्सटी सभी को पता होता है जीरो पॉइंट फाइव और कॉट नाइन्टी तो जीरो होता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रिमार्क्स में मैं क्या लिख रहा हूँ रिमार्क्स में कि सबसे ज़्यादा जो यूज नंबर है पता है कॉस्ट थर्टी सिक्स पॉइंट एट सिक्स है और कॉस्ट फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री है कोई भी जगह हो cos थर्टी सिक्स पॉइंट एट सिक्स की वैल्यू जो होती है आपके पास वो जीरो पॉइंट एट होती है और cos फिफ्टी थ्री पॉइंट वन थ्री की वैल्यू जीरो पॉइंट सिक्स होता है ये ये, जस्ट बाकी कैलकुलेटर है आपको नहीं याद रखना तो इट्स ओके बट बड़ा सिंपल है और वैसे भी ना cos फाइव जो होता है ना कॉस फाइव वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो फाइव होता है Phi के इंक्रीज होने से phi की वैल्यू कम होती है phi जो होता है वो इसलिए जब फाइव बढ़ाते हो ना तो साइन फाइव की वैल्यू बढ़ती है, और जब phi बढ़ाते है तो कॉस फाइव की वैल्यू कम होती है तो, बेसिक तो मेरे माइंड में क्या चल मेरे में इमेज है सोचता हूं कि जब मैं जितना ना जीरो डिग्री के पास मैं आऊँगा ना उतना ही वन के आसपास पास आऊंगा तो ये जीरो डिग्री के पास थर्टी सिक्स पॉइंट एट सिक्स है इसलिए ये वन के पास है तो जीरो पॉइंट एट है और ये नाइन्टी के पास है इसलिए जीरो पॉइंट सिक्स है क्योंकि दूर हो गया जस्ट बेसिक मेरे खुद के अपने कंसेप्ट मेरे खुद के अपने कंसेप्ट है बोला आपको नहीं नहीं आ रहा था लेकिन नंबर ये यूज़ होते हैं मतलब ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ इंडिया के किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा यूज नंबर पावर फैक्टर के समय में जीरो पॉइंट सिक्स और ज़ीरो पॉइंट एट ही आया होगा आज तक आप देखे होंगे तो आज तक आप देखे होंगे कोई भी जगह पढ़ते हो तो जीरो पॉइंट सिक्स और जीरो पॉइंट एट आता है तो क्यों ना जो जो चीजें आती है वो हमारा वो हमारे डिस्कशन का पार्ट बन जाए कोई बड़ी बात तो है नहीं बेसिक मैथ क्लियर होना चाहिए कि कॉस फाइव डिक्रीजेस विद विदाइव और साइन फाइव इंक्रीजेस विदाइव फाइव के बढ़ने से एंगल के बढ़ने से कॉस फाइव डिक्रीज होता है और साइन फाइव इंक्रीज होता है बेसिक मैथ सही है बेसिक मैथ्स बट ऐसा ना हो कि आप याद कर लिए पता चला इसको कभी जीरो पॉइंट सिक्स लिख दिया तो फिर याद करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक्चुअली एक इमेज है कि अगर आप टूवर्ड्स 90 नाइन्टी बढ़ते जा रहे हो तो जीरो होते जा रहा है टूवर्ड जीरो बढ़ते जा रहे हो तो वन होते जा रहे हैं ओके ये देखो ध्यान से चलो मैं आपको अगर बोलूं कि चलो एक क्वेश्चन है गेट का क्वेश्चन है कंसिडर द नेटवर्क कंसिडर द नेटवर्क इन बिलो फिगर सोन इन बिलो फिगर ओके कंसिडर द नेटवर्क इन बिलो फिगर सही है टू ओम वन ओम एक इंडक्टर है आपके पास वन ओम द जे वन ओम द टू ओम ये आपके पास द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज द वैल्यू ऑफ़ पावर फैक्टर जी बस एक गेट का क्वेश्चन आ गया एक फिगर दिया था आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज कंसर्ट नेटवर्क सोनी बिलो फिगर द वैल्यू ऑफ़ पावर फैक्टर इज हमें को उसकी पावर फैक्टर की वैल्यू बताना है क्या करेंगे आपको अब आ गया गेट में क्वेश्चन बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता इतना ही अपने को आइडिया होना चाहिए जो मैं लिखा अभी जो मैं लिखा इतना ही अपने को आइडिया होना चाहिए जब भी कोई आपसे कोई रैंडम फिगर का पावर फैक्टर पूछ लें सबसे पहले तो ये बताया नहीं कि कहाँ का पावर फैक्टर है इसके अंदर बाई डिफॉल्ट वी विल कंसिडर इनपुट पावर फैक्टर बाई डिफॉल्ट इनपुट पावर फैक्टर कोई बात ही नहीं है नेटवर्क में बहुत कम लोग बताते हैं इनपुट पावर फैक्टर दैट मीन्स सप्लाई पावर फैक्टर दैट मीन्स इनपुट पावर फैक्टर दैट मीन्स सप्लाई पावर फैक्टर इसी को पावर फैक्टर बोलते हैं नेटवर्क में द बेसिक अब मैं बोल रहा हूं कि कैसे करें तो मैं बोलूंगा कि कॉस्ट फाइव होगा फिर कि फाइएस कैसे पता चले तो मैं बोलूंगा कि फाइव जेड पता कर लो फाइव ही फाइव जेड होगा सोर्स वोल्टेज जो एंगल के के होगा वही इंपेडेंस का एंगल होगा तो का एंगल पता करना है। तो खड़े हो जाओ और आप निकालो इनपुट की वैल्यू अगर मैं बोल रहा कि इनपुट इंपेडेंस की वैल्यू कितनी होगी तो आप बोलोगी में वन पैरल विद और सीरीज विद सर टू है चलो ठीक है तो वन प्लस अपॉन वन प्लस देखना मैथ्स प्लस टू है इनपुट इंपेंस की वैल्यू अब ये आपके पास आ गया जे वन गया जे वन और ये आ गया वन प्लस जे वन अब आपको डिपेंड करता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है इनपुट इंप्ट इंपेंस से अगर मैं बोल रहा हूं इनपुट इम्पेंस ये अब मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली इनपुट इंपेंस की वैल्यू कितनी आ गई तो आप बोलोगे सर टू प्लस जे थ्री टू प्लस जे थ्री अपॉन वन प्लस जे वन ठीक तो है ओके इसमें किसी को डाउट देखो ध्यान से देखो देखो ध्यान से अब मैं बोल रहा हूं कि देखो इनपुट इंपिडेंस इतना ही आया ध्यान देखना अगर मैं बोल रहा हूं कि कितना होगा इंपिडेंस का एंगल कितना होगा ऊपर का टेन इनवर्स थ्री बाई टू डिवाइड करने से एंगल सब होता है तो टेन वर्स वन प्लस जीवन है टेन इनवर्स वन फोर्टी फाइव डिग्री माइनस टेन वर्स वन दिन फोर्टी फाइव तो टेन वर्स थ्री बाई टू फाइव जेड एंगल आ जाएगा टेन वर्स थ्री बाई टू माइनस टेन वर्ष वन टेन वन फोर्टी फाइव होता है टेन वर्स वन पॉइंट फाइव तो ध्यान से वन प्लस जे वन है टू उधर गया तो टू प्लस जे टू तो टू प्लस जे थ्री हो गया टेन वर्स थ्री पॉइंट टू कितना एंगल आ रहा है एंगल कितना आ रहा है रेंगल? अरे यार इसमें से माइनस करोगे टेन वर्स वन माइनस करोगे भाई टेन वर्स थ्री बाई टू माइनस टेन वर्स वन टेन होता है इलेवन पॉइंट थ्री वन इलेवन पॉइंट थ्री वन ये आपके पास आया अब अगर आपको ये पता चल गया तो कॉस फाइव जेड इज द पावर फैक्टर आ तो तो रहा तो अगर आप इलेवन पॉइंट थ्री बोल रहे हो तो भी गलत बोल रहे हो क्योंकि मैं पावर फैक्टर पूछा आप एंगल बता रहे हो? एंगल में कॉस पुट करोगे तभी तो आंसर आएगा पावर फैक्टर जीरो टू वन कॉस इलेवन पॉइंट थ्री कितना आ रहा है कितना आ रहा है जीरो पॉइंट नाइन एट तो जीरो पॉइंट नाइन एट तो पावर फैक्टर जीरो पॉइंट नाइन एट ऊपर से इंपिडेंस का एंगल पॉजिटिव है हेलो ऊपर से इंपिडेंस का एंगल पॉजिटिव है अगर इनपुट इंपिडेंस का एंगल पॉजिटिव है तो पावर फैक्टर लैगिंग बोलते हैं अपन लैगिंग तो जीरो पॉइंट नाइन एट यहां से पता चला द पावर फैक्टर या सप्लाई पावर फैक्टर दिस वन तो जीरो पॉइंट नाइन एट जीरो पॉइंट नाइन एट लैगिंग ओके जस्ट आपके पास गुड आइडिया होना चाहिए अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास इस जगह से इस जगह तक जाने के लिए मैं एलसीएम की हेल्प लिया पूरा वन प्लस जेवन लिया मैं चाहता तो इस जगह से स्टाइल भी चेंज कर सकता था यहां जा रहा हूं मैं इस जगह से मैं यहां गया इस जगह से मैं जाता तो मैं चेंज भी कर सकता था कैसे कैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि जेड आई एन की वैल्यू क्या है पता है जेवन अपॉन वन प्लस जेवन था ठीक बात है चलो प्लस टू था मैं लूंगा ही नहीं मैं जेवन में वन माइनस जेवन का मल्टीप्लाई करके रेसनलाइज कर लूंगा तो वन माइनस जेवन करूंगा तो वन स्क्वेयर प्लस वन स्क्र तो टू आ गया ये ए प्लस जेबी और ए माइनस जेबी ए स्क्र प्लस बी स्क्र होता तो डिवाइड बाई टू आ गया और प्लस टू था भी तो अब मेरे पास क्या हो गया पता है जे वन और माइनस जे स्क्वेयर तो प्लस वन तो वन प्लस जे वन डिवाइड बाई टू प्लस टू ये आ गया अगर मैं इसको सॉल्व कर भी लूँ तो टू इंटू टू फोर प्लस फाइव तो फाइव प्लस जे वन ये डिवाइड बाई टू तो अगर मैं बोलू डिवाइड कर दो यार तो टू पॉइंट फाइव प्लस जे पॉइंट फाइव यह आ गया, आ गया आपके पास दूसरे तरीके से देखो ध्यान से अब अगर मैं इसका एंगल निकालना चाहता हूं इसका एंगल पता इक्वल टेन आंसर आएगा इलेवन पॉइंट थ्री वन यह भी आंसर आएगा इलेवन पॉइंट थ्री वन यह भी, भी आंसर आएगा क्या किया मैं मैं मेरे पास दो चॉइस है कैलकुलेशन की मैं इसको एलसीएम ले लूं या मैं इसका रेशनलाइज कर लूं इस वाले नंबर का रेशनलाइज कर लो देखो रेसनाइज किया मैं वन माइनस जे वन का मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा का पूरा नीचे नंबर पॉजिटिव बन गया और फिर बड़ा आसान हो गया डिवाइड कर दिया तो पता मेरे पास इंपोर्टेंस आ रहा है .5 .5. कितना आ रहा है टू पॉइंट फाइव प्लस जे पॉइंट फाइव टेन इन पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव इलेवन पॉइंट थ्री वन आ रहा होगा आ रहा होगा बोला अब मैं बोल रहा हूं कि जैसे डीसी में बहुत वैरायटी होती है तो एसी में वैरायटी के नाम पे होता है स्टाइल कैलकुलेशन लिखने का तरीका No fear. नहीं तो लोग कॉम्प्लेक्स से इतना डरते हैं ना कि रेसलाइज करने में सोचते एल्सियम लेने में सोचते एंगल लेने में सोचते बड़े अच्छे से देख लो आप इसका मतलब है कि आज के बाद आपको अगर कोई पावर फैक्टर पूछ लिया और हजारों टाइप के फिगर हो सकते हैं, जो कभी पच्चीस साल में क्वेश्चन नहीं आया अगर कल एक रैंडम फिगर आया यस वी विल गिव आंसर यस तो लोग सोचते पावर का आंसर उसका पता होगा जो सर्किट नोन होता है पूरी दुनिया के लिए सीरीज आर एल नेटवर्क का पावर upon, root, plus, square, square, ऐसे बोलते तो बच्चों की बात है यार। एक का पावर फैक्टर बताओ तो ये गेट का क्वेश्चन बन सकते हैं एकदम सिंपल सा कुछ है ही नहीं अब कई लोग सोचेंगे क्यों क्योंकि जितनी भी टेक्स्ट बुक लिखी जाती है नॉर्मली नॉर्मली पावर फिटर सब बेसिक बेसिक सर्किट के लिखे रहते हैं इलेवन 12 की बात है आप देखो ध्यान से क्या अगर मैं बोल रहा हूं कि चलो केस नंबर वन तो हो गया केस नंबर टू केस नंबर टू क्या है सीरीज आर सी नेटवर्क सीरीज आर सी नेटवर्क आर है और ये सी है। सी का वोल्टेज वी सी और आर का वोल्टेज वी आर अप्लाई वोल्टेज वी दिस वन द आई अब सीरीज आर सी नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है चलो स्टार्ट करूं सीरीज आर सी नेटवर्क स्टार्ट करूं ठीक है सेकंड वाला स्टार्ट कर रहा हूं मैं सीरीज आर सी नेटवर्क सीरीज आर सी नेटवर्क अगर मैं अब आर एल आर एल पढ़ रहे थे अपन अब अगर मैं सीरीज आर सी नेटवर्क के बारे में बात कर रहा हूं तो कॉम्प्लेक्स फेजर वोल्टेज इज गिवन बाई द कॉम्प्लेक्स फेजर वोल्टेज वी इज कॉम्प्लेक्स फेजर वोल्टेज वी इज गिवन बाय तो वी इक्वल टू क्या होगा पता है? वी आर माइनस जे वी सी यस वी आर माइनस जे वी सी अगर मैं बोलूँ कि वी का मैग्नीट्यूड कितना होता है तो अंडर रूट या वी आर स्क्वेयर प्लस वी सी स्क्वेयर अगर मैं एंगल ऑफ वाई एंगल की बात करूं कि एंगल ऑफ वी कितना होगा तो टेन इनवर्स माइनस वी सी अपॉन वी आर या माइनस टेन इनवर्स वी सी बाई वी आर ठीक है द एंगल ऑफ वी अगर मैं बोल रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स फेजर वोल्टेज वी आर माइनस जे वी सी है तो वी आर इक्वल टू तो आई आर आ गया माइनस जे वी सी मतलब आई एक्सी आ गया वी तो वी बाई आई की वैल्यू कितना आएगा तो आर माइनस जे एक्सी इसी को तो आप इंपोर्टेंस बोलते सीज आर सी नेटवर्क का आर माइनस जे एक्ससी अब आप पहले से लगा के रखे हो जे तो एक्सी की वैल्यू वन अपान ओमेगा सी तो इम्पडेंस ऑफ सीरीज आर्सी नेटवर्क आर माइनस जे अपॉन ओमेगा सी तो अगर मैं बोलूँ कि इम्पडेंस का मैग्नीट्यूड कितना है तो अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस वन अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर दिस वन एंगल ऑफ जेड कितना होगा जिसको आप फाइव जेड बोल सकते हो तो टेन इनवर्स माइनस वन अपान ओमेगा सी डिवाइड बाई आर तो माइनस टेन इन वर्स वन अपन आर ओमेगा सी दिसनस टेनवर्स अपॉन आर ओमेगा सी अब आपको दिखा कि फाइव जेड तो नेगेटिव आ गया और फाइव जेड अगर नेगेटिव आ गया इसका अंदर पावर फिटर क्या करेगा लीड करेगा यह हमारा कंसेप्ट है धीरे धीरे बट फिर भी आपके पास अगर मैं बोलू कि आई जो होगा मेरा रेफरेंस फेजर होगा बिकॉज सीरीज सर्किट है वी आर जो होगा वो ये होगा तो वी सी पता है ऐसा नीचे होता है वी सी क्योंकि वी सी लैक कर रहा है कैपेसिटर का जो वोल्टेज वो लैक कर रहा है ये फाई हुआ और पाइथागोरस थ्योरम से वी की वैल्यू वी आर स्क्वेयर प्लस वी सी स्क्वेयर होगी इसको बोलते फेजर डायग्राम इसको क्या बोलते हैं हम लोग फेजर डायग्राम ऑफ सीरीज आरसी नेटवर्क फेजर डायग्राम ऑफ सीरीज आर सी नेटवर्क ओके फेजर डायग्राम ऑफ सीरीज आर सी नेटवर्क यस अब मेरे को दिख रहा है कि आई तो आपका लैक, आई तो लीड कर रहा है क्यों अरे रिजल्टेंट वी ये है ना ये रिजल्टेंट वी है और आई क्या कर रहा है तो आई लीड कर रहे हैं कितने एंगल्स हैं फाइव के एंगल्स हैं क्योंकि वी लैक कर रहा है देखो ना क्लॉक वाइज वी नीचे है। आपको देखना है कि कौन लीड कर रहा है जो ऊपर रहेगा जो भी ऊपर रहेगा अगर ये आई है इसके ऊपर वी है तो वी लीड कर रहा है आई ये है, बट नीचे है तो सबसे ऊपर ये है जो सबसे ऊपर रहेगा वो लीड करेगा तो आई लीड कर रहा है वी आपके पास कितने एंगल से फाइव के एंगल से और आई अगर आपके पास लीड कर रहा तो, है तो हो गया भाई लीडिंग पावर फैक्टर तो के अपन पता किए कि देखो आई लीड कर रहा है आई लीड बाई फ्रॉम वी इसको बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर इसी को बोलते हैं और इंपडेंस लैक करता है देखो आपके पास आर माइनस जे ओमेगा सी अगर मैं बोलूं कि इंपडेंस तो सर सीरीज आर सी का तो इतना था आर माइनस जे एक्सी तो आप बोलू कि ठीक है ये आर है ये एक्सी है और ये इंपडेंस है और इंपडेंस आपके पास ये फाइव जेड ये जेड है आपके पास अंडर रूट आर स्क्वा प्लस एक्सी स्क्वा तो इंपडेंस तो लैक कर रहा है फाइव जेड नेगेटिव है फाइव जेड नेगेटिव का मतलब आप जानते हो फाइव जेड इक्वल टू होता है फाइव ई अपॉन फाइव ए एंगल जब डिवाइड करते तो एंगल सपरेट होता फाइव ई माइनस फाइव आई फाइव जेड लेस देन जीरो डिग्री है क्योंकि एंगल नेगेटिव होगा तो फाइव जेड अगर लेस देन जीरो डिग्री है तो फाइव ई माइनस फाइव आई लेस देन जीरो डिग्री तो फाइव आई इज ग्रेटर देन फाइव वी दैट मीन द लीडिंग पावर फैक्टर ओके सही है अगर मैं कि कॉस फाइव की वैल्यू कितना होगा तो आप बोलोगे सर कॉस फाइव की वैल्यू क्या कॉस फाइव की वैल्यू वी आर बाई वी होगी ठीक है मैं बोलूँगा कि वी आर तो ठीक है वी की वैल्यू क्या होगी तो वी आर की वैल्यू आई आर और वी की वैल्यू आई जेड तो कॉस फाइव का फॉर्मूला ही हो गया आर बाई जेड बट जेड अलग अलग होता है सीरीज आर एल में जेड की वैल्यू अलग थी सीरीज आर सी में जेड की वैल्यू अलग है आर स्क्वेयर प्लस वन अपन ओमेगा स्क्वेयर सी स्क्र होता है दिस वन द पावर फैक्टर ये ये पावर फैक्टर ये तो वैरायटी ऑफ पावर फैक्टर के रिजल्ट अपने पास तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि जैसे ही कैपेसिटिव सर्किट आया वैसे तो कैपेसिटर में करंट नाइन्टी डिग्री से लीड करता है बट अब तो आर भी है तो अब ना आर के कारण अब एग्जैक्टली नाइन्टी डिग्री नहीं है पर्टिकुलर किसी एंगल से करंट लीड कर रहा है लिखा हुआ सब कुछ ये सब कुछ लिखा हुआ है पूरा डिटेल कर दिया हमें डिटेलिंग कर दी एकदम ही बता दे रहा हूं कि फाइव जेड जब नेगेटिव होता है इसका क्या मतलब होता है फाइव जेड नेगेटिव फाइव जेड का एंगल नेगेटिव है इसका क्या मतलब होता है करंट क्यों लीड करता है क्यों फाइव जेड को नेगेटिव में हम लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं सब लिखा हुआ है पूरा का पूरा भी लिखा हुआ है ठीक है तो चलो अब आरसी नेटवर्क के बारे में बात कर करिए तो मेरे को पता चल गया कि पावर फैक्टर आर बाई जेड होता है जेड इक्वल टू दिस 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 क्लियर और आपको ये भी पता चल गया कि करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है तो बेसिक चीज आपको बड़ा अच्छा आइडिया हो गया अगर ध्यान देखा जाए तो केस नंबर वन और केस नंबर टू हो गया और इवन आप ना किसी भी रैंडम सर्किट को डील कर सकते तो अगर मैं बोलूं कि चलो केस नंबर थ्री है और केस नंबर थ्री में मैं क्या लिख रहा हूं बताए सीरीज आर नेटवर्क सीरीज आर नेटवर्क अगर मैं सीरीज आर नेटवर्क बोल रहा हूं दैट मीन्स आर एल और सी देखो ध्यान से ये आर एल और सी वी आर ये वी एल और ये वी सी और ये वी ये वी आर वी एल और वी सी वी आर वी एल और वी सी अब क्या बोल रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स फेजर वोल्टेज कॉम्प्लेक्स फेजर वोल्टेज वी इज गिवन बाय वी इक्वल टू क्या होगा वी आर इंडक्टर वोल्टेज जे वी एल होता है और कैपेसिटर वोल्टेज माइनस जे वी सी होता है इसके अंदर वी की वैल्यू कितना होगी वी आर प्लस जे वी एल माइनस वी सी हो गया दिस वन तो अगर मैं बोलूं कि वी का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो वी का मैग्नीट्यूड होता है वी आर स्क्वायर प्लस इमेजनरी वैल्यू वी एल माइनस वी सी है तो वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर ये कभी आप ये मत समझे कि हर नंबर का स्क्वायर हो, हो जाएगा कभी कभी लोग सोचते हैं कि जितने नंबर मिल रहे हैं सबका स्क्वायर कर दो सबको ऐड कर दो और अंडर रूट कर दो ये गलत है अ रिजल्ट ओके तो अप्लाई वोल्टेज जो वी है उसकी वैल्यू है वी आर प्लस जे वी एल माइनस वी सी तो वी आर इक्वल टू आई आर है प्लस जे वी एल इक्वल टू आई एक्स एल माइनस आई तो अगर मैं बोलूँ कि देखो वी बाई आई देट मीन्स द इम्पडेंस है तो पता इंपडेंस कितना होता है सी का आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी तो इंपडेंस कितना हुआ आर प्लस जे एक्सएल मतलब ओमेगा एल और एक्सी मतलब वन अपान ओमेगा सी तो अगर मैं बोलूँ कि इम्पडेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपान ओमेगा सी का होल स्क्वेयर ये एंगल ऑफ जेड कितना है एंगल ऑफ जेड तो टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस वन अपान सी डिवाइड बाई आर याल माइनस एक्सी बाई आर भी बोल सकते हो फाइव ऑफ जेड की वैल्यू फाइव ऑफ जेड की वैल्यू बोल सकते हो टेन इन वर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर डिस अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करूं तो पता फेजर डायग्राम में आई रेफरेंस फेजर होता है आई रेफरेंस फेजर बिकॉज करेंट इज सेम रजिस्टर का वोल्टेज उसी डायरेक्शन में होता है इंडक्टर वोल्टेज 90 डिग्री से लीड करता है बिकॉज ये करंट है ये इंडक्टा वोल्टेज कैपेसिटर वोल्टेज 90 डिग्री से लैग करता है तो कैपेसिटर वोल्टेज बना दिया ये इंडक्टर वोल्टेज है जो कि करंट से 90 डिग्री से लीड करता है कैपेसिटर वोल्टेज 90 डिग्री से लैग करता है बिकॉज यही करंट इंडक्टर करंट है यही करंट कैपेसिटर करंट है और यहाँ से जीरो डिग्री है क्योंकि ये रजिस्टर करंट है ऑल करेंट आर सेम तो यही रजिस्टर करंट है जब आप रजिस्टर वोल्टेज से कंपेयर करते हो यही इंडक्टर करंट है जब इंडक्टर वोल्टेज से कंपेयर करते यही कैपेसिटर करंट है जब कैपेसिटर वोल्टेज से कंपेयर होता है बट अभी आपके पास रिजल्टेंट नहीं बना सब बना के रख दिया एक एक लेंथ बना के रख दिया वी आर एक वी एल एक वीसी बस इतना ही बना के रखा अब अगर मैं बोलू कि देखो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इंडक्टिव और कैपेसिटी बिहेवियर में से कौन डोमिनेटिंग है तो डिफरेंट केसेस में डिवाइड हो जाता है खुद इसका मतलब है केस नंबर जो थ्री चल रहा है उसका पहला पार्ट एक्सएल इंडक्टर का रिएक्टेंस अगर कैपेसिटर के रिएक्टेंस से ज़्यादा होगा अगर मैं आई का मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई एक्सएल ग्रेटर देन आई एक्सी आई एक्सएल मतलब वी एल ग्रेटर देन वी सी ओके इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास फेजर डायग्राम है और आई रेफरेंस फेजर और ये वी आर है तो इंडक्टर वोल्टेज का ज़्यादा लेंथ बना दो आप ये और कैपेसिटर वोल्टेज का लेंथ कम बना दो तो रिजल्टेंट हो जाएगा आपके पास अगर आप ध्यान से देखोगे कि वी इक्वल टू क्या होता तो वी इक्वल टू वी आर प्लस जे वी एल माइनस वी सी होता है तो अगर वी एल ज़्यादा है वी सी से तो वी आर प्लस जे वी एक्स हो गया वी एल माइनस वी सी और वी एल ज़्यादा है ये हो जाएगा आपके पास दिस वन वी एल माइनस वी सी ऊपर ठीक है ये वी आर था ये वी एल माइनस वी सी हो गया इज एंगल ये फाइव ये अप्लाई वोल्टेज वी है इसका आंसर हो गया वी आर स्क्वेयर प्लस एल माइनस वीसी का स्क्वायर दिस वन ये ये फेजर डायग्राम कब बना पता है व्हेन या मैं बोल रहा हूं कि वीएल ग्रेडर वीसी बहुत सेम ये दिस वन तो अगर इंडक्टर वोल्टेज ज्यादा है कैपेसिटर वोल्टेज से तो ये होगा अब इंडक्टर वोल्टेज ज्यादा है तो सोच के देखो अगर एक्सएल ग्रेटर एक्सी से इंपेडेंस क्या था पता है आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी अब एक्सेल अगर एक्सी से ज्यादा है तो इंपर्डेंस कितना होगा बताया आर प्लस जे एक्स अगर मैं बोलूँ कि फाइव जेड क्या होगा तो टेन वर्स एक्स बाई आर ओर ये पॉजिटिव होगा क्योंकि आर और एक्स पॉजिटिव है तो इंपडेंस के एंगल पॉजिटिव होने का क्या मतलब होता है पता है पावर फैक्टर का लैक करना मतलब करंट लैक कर रहा होगा देखो करंट लैक, कर लैक कर रहा है वी से ये वी है और ये करंट है ये रेफरेंस और ये लैक कर रहा है और करंट अगर लैक कर रहा है इसका मतलब है कि लैगिंग पावर फैक्टर तो आप बोलोगे कि लैगिंग पावर फैक्टर है बिकॉज ये इंडक्टिव बिहेवियर है देखो ना इंडक्टिव बिहेवियर एक्सेल ज्यादा एक्सी से इंडक्टिव बिहेवियर तो जब भी आपके पास इंडक्टिव बिहेवियर होगा इंडक्टिव बिहेवियर होगा हमेशा आपके पास लैगिंग पावर फैक्टर होगा बिकॉज करंट लैग करना चालू कर देगा रिजल्टेंट वोल्टेज से रिजल्टेंट करेंट इंपोर्टेंस लीड करना चालू कर देता है जब आपके पास एक सीरीज सर्किट होता है और इंडक्टेंस ज्यादा होता है तो द केस नंबर वन अगर मैं बोलूं कि देखो आपके पास क्या होगा तो पावर फैक्टर क्या होगा इज द पावर फैक्टर इज मैग्नेट्यूड आर बाई जेड या वी आर बाई वी एक ही बात है जब आप बोलते हो कि वैल्यू लिखने की इच्छा है तो आर बाय जेड और जेड की वैल्यू कितना अंडर रूट आर स्क्र प्लस ओमेगा ओमेगासी का होली स्क्र ये पावर फैक्टर आर बाय जेड वन ये कॉस फाइ आर अपन अंडर रूट आर स्क्र प्लस ओमेगा माइनस वन अपन ओमेगा सी का होल द पावर फैक्टर फॉर द्री पॉइंट वन इतना स्टोरी है बिकॉज इंडक्टिव बिहेवियर ज्यादा है तो करंट लैग करेगा एम्बेंस लीड करेगा थ्री पॉइंट टू अपोजिट अगर कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस अगर इंडक्टर के रिएक्टेंस से ज्यादा है तो आई एक्सी ग्रेटर देन आई आई और ये आपके पास वी सी ग्रेटर देन वी एल है ये VC ग्रेटर देन वीएल है तो वी सी ग्रेटर दिन आपके पास अगर है तो ये आई हुआ ये वी आर हुआ ये आपके पास वी एल कम है ये वी सी ज्यादा है ये तो अगर मैं बोल रहा हूं कि देखो अगर ऐसा है तो पता है वी माइनस वी सी यहाँ होगा नीचे क्योंकि वी सी ज्यादा है पाइथागोरस थ्योरम से एंगल ये हो गया ये वी की वैल्यू हो गई आप जानते हो अंडर रूट वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल माइनस वी सी लिखो आप स्क्वेयर है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है थोड़ा सा आप कैमरे को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा एकदम एकदम फोकस ये आपके पास आ गया पता आपके पास रिजल्टेंट भी नीचे और आई ऊपर है ये लीड कर रहा है क्यों लीड कर रहा है क्योंकि वो लैग कर रहा है नीचे वो देखो ध्यान से लीड कर रहा है द लीडिंग पावर फैक्टर और पता है कैपेसिटी बिहेवियर रही है क्योंकि एक्सी की वैल्यू ज्यादा अगर इंपडेंस लिख रहे हो ना इंपडेंस होता है आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी वट एक्सी ज्यादा है तो जेट की वैल्यू आर माइनस जे एक्स आ रहा है पता है आपको और आर माइनस जे एक्स आ रहा तो इंपडेंस का एंगल जो होगा वो नेगेटिव आएगा और इंपडेंस का एंगल नेगेटिव आ गया इसका मतलब ही हो गया आपके पास कि पावर फैक्टर लीड कर रहा है द लीडिंग पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर तो देख लीडिंग पावर फैक्टर का फिगर बना हुआ है तो जब जब कैपेसिटी बिहेवियर डोमिनेटिंग होता पावर फैक्टर विल बी लीडिंग जब जब इंडक्टिव बिहेवियर डोमिनेटिंग होता पावर फैक्टर विल बी लैगिंग सही बात है कॉस्फाई का कोई प्रॉब्लम नहीं कॉस्फाई में कॉस्फाई आर बाई जेड होता है इज दिस तो पावर फैक्टर वही है ऐसा नहीं कि केस चेंज करने से आपके पास थ्री पॉइंट वन हो पावर फैक्टर का रिजल्टेंट यही है बट एक बार लैगिंग एक बार लीडिंग है दिस इस वन इसलिए अपन बड़े आराम से स्टोरी स्टार्ट किए सीरीज आर एल पढ़ेज आरसी पढ़े अब आरएलसी पढ़ रहे अब कंबाइन कर लिए तो हम बोले कि फेजर डायग्राम तब बनेगा जब आपको यह बात पता कि इंडक्टर डोमिनेटिंग है कि कैपेसिटर डोमिनेटिंग है बोलने का मतलब है कि इंडक्टिव रिएक्टन ज्यादा है कि कैपेसिटिव रिएक्टन ज्यादा बिकॉज इंडक्टिव रिएक्टन ज्यादा होगा तो पावर फैक्टर विल बी लैग और अगर, अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा तो जो पावर फैक्टर का बिहेवियर होगा लीड करने का तो लैग करने का बिहेवियर है वो लीड करने का बिहेवियर किसी भी तरीके से देखो आप अगर पूरा नोट कर लियो और अगर आप केस नंबर थ्री पे हैं अभी हम बोल रहे थे कि एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी है एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है एक्सएल इक्वल टू एक्सी है तो आई एक्सेल इक्वल टू आई एक्सी इसका वी एल ग्रेटर देन वी सी अब सोचो ऐसा अगर है और अगर आप बोल रहे हो कि देखो ये आई है ये वी आर है रजिस्टर वोल्टेज और अगर इंडक्टर वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट होगा पता आपको तो कैंसिल आउट क्यों कैंसिल आउट बिकॉज कॉम्प्लेक्स फेजर वोल्टेज वी इक्वल टू वी आर प्लस जे VL -VC था और और अगर अगर ये दोनों बराबर हो गए तो तो आ गया VR। और अगर मैं कि पावर फैक्टर क्या होता है तो कॉस की वैल्यू वी आर बाई वी होता है अब दोनों तो सेम बाई वी तो, v v तो पावर फैक्टर की वैल्यू वन हो गई और कॉस इनवर्स तो इसका हो होता है ओके जीरो फाइव जीरो देखो ध्यान से इसका अगर दोनों वोल्टेज और करंट के बीच का कैंसिल आउट हो गए इंडक्टर कैपेसिटर इफेक्ट जो गए रिजल्टेंट वोल्टेज रिजल्टेंट करंट में एक ही बात है वी आर वी है अगर एंगल दोनों के बीच का अगर जीरो डिग्री है तो कॉस जीरो की वैल्यू कितना होगा तो वन होता है इसी को बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर ये यूनिटी पावर फैक्टर का केस हुआ और पता है इस केस में एक्सेल की वैल्यू एक्सी के बराबर है एक्सएल मतलब ओमेगा एल है और एक्सी मतलब वन अपान ओमेगा सी है और ये स्पेशल तो उसको ओमेगा नॉट लिख दिए तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू वन अपान एल सी आ गया तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितना आ रहा है वन अपान अंडर रूट एल सी रेडियन

दोनों के बीच का एंगल जीरो डिग्री होगा इज यूनिटी इस केस में जब आप बोलते हो कि किस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होगा वो नॉट अंडर रूट रेडियन पर हो जाएगा दिस फ्रीक्वेंसी इज मेगावेंसी और ऑसोलेशन रेजुनेस और ऑसलेसन फ्रिक्वेंसी होता है तो ये जो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे दोनों का रिएक्टेंस सेम होगा उसको रेजुनस फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इस पर जो होता है वो रियल नंबर होता है रजिस्ट्री होता है सर्किट रजिस्ट्री बिहेव करता है क्योंकि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिए इसको बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर उसको बोलते फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्लेसन इसको बोलते हैं रेजुनेंस फ्रिक्वेंसी ओ नॉट की वैल्यू कभी कभी लीनियर फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं तो कोई बात नहीं है वन पॉइंट टू पाई रूट एल सी हर्ड्स ओके नो प्रॉब्लम तो आपको दिखा कि जब भी हम सीरीज आर एल सी की बात करेंगे सेकंड ऑर्डर नेटवर्क तो रेजोनेंस ना सेकेंड ऑर्डर नेटवर्क में होता है फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क में रेजोनेंस क्रिएट नहीं किया जा सकता अगर मैं बोलूँ कि एक आरएल नेटवर्क में रेजोनेंस होगा नहीं होगा एक आर सी में रेजोनेंस होगा नहीं होगा आपको इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों चाहिए तो मिनिमम जो ऑर्डर होना चाहिए नेटवर्क का वो भी अपोजिट एलिमेंट के कारण अलग अलग एलिमेंट के कारण वो सेकंड ऑर्डर होना चाहिए तो ठीक है इससे ज्यादा बात करने की अभी जरूरत नहीं है तो आपके पास पता है रेजोनेंस में इन फेस कंपोनेंट होते हैं वोल्टेज और करंट सेम फेस में होता है तो दोनों के बीच का एंगल जीरो हो जाता इसे है इसी को यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं और इम्पोडेंस की वैल्यू रियल हो जाता है क्योंकि इमेजनरी टर्म कैंसिल आउट हो गया ये कॉस फाइव की वैल्यू वन तो तीनों केस को कवर कर लिया अपन केस नंबर थ्री के तीनों पार्ट को कवर कर लिया वन टू इंडक्टिव इफेक्ट कैपेसी इफेक्ट अपने को अभी तक इतना पता चला अभी तक अपने को इतना पता चला कि जब जब इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है चाहे सीरीज आर नेटवर्क हो चाहे सीरीज आर नेटवर्क में इंडक्टेंस ज्यादा हो रिएक्टिव जो कंपोनेंट है इंडक्टिव रिएक्टिव कंपोनेंट ज्यादा हो जब जब आपके पास इंडक्टेंस डोमिनेटिंग होता है पावर फैक्टर लैगिंग होता है बिकॉज करंट लेग करता है और इन सब जगह पे इंपिडेंस का एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है जब भी हम बोलते हैं कि पावर फैक्टर लीड करेगा मतलब करंट लीड करेगा करंट जब भी लीड करता है जब कैपेसिटी बिहेवियर होता है और इंपिडेंस का एंगल नेगेटिव होता है कैपेसिटी बिहेवियर तब होगा जब सीरीज आर सी नेटवर्क होगा दूसरा एक आर एल सी नेटवर्क विदेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस तब जाके होता है सीरीज में लीडिंग पावर फैक्टर आपके पास ओवरऑल थ्री टाइप के फिगर होते हैं सीरीज में सीरीज आर एल सीरीज आर सी और सीरीज आर एल सी फिगर तो रैंडम कोई भी हो सकता है लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग टाइम जब भी बात होती है सीरीज सर्किट के तीन सर्किट पर बात करना लोग पसंद करते हैं मतलब एग्जाम वाले लोग इसलिए मैं तीन केसेस बनाया सीरीज आर एल सीरीज आर सी और सीरीज आर एल सी वैसे ही तीन केसेस और होंगे जिसमें कि अपन पैरल सर्किट की बात करते हैं और अगर मैं बोलूं कि फोर्थ केस में पैरल आर नेटवर्क होगा पैरल आर नेटवर्क और एक पैरल आर नेटवर्क में इज द आर एल इनपुट करेंट ये आई ये आर एलो आई आर और एल पैरल आर नेटवर्क अगर मैं बोलूं कि देखो आर में करेंट आई आर फ्लोर है और एल में करेंट आई एल फ्लोर और पैरल में तो वोल्टेज सेम होता है ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं कि बना दी पैरल आर एल नेटवर्क तो। अब इसमें फोकस करेंगे क्योंकि एक पैरल आर एल नेटवर्क है वोल्टेज जो होगा आपके पास अब तो कॉमन होगा तो कॉम्प्लेक्स फेजर करेंट वी कॉम्प्लेक्स फेजर करेंट आई ज गिवन बाय कॉम्प्लेक्स फेजर करंट आई इज गिवन बाय तो आई इक्वल टू आई आर माइनस जे आई एल आपको इंडक्टर करंट माइनस जे आई एल होता है जब वी आपके पास रेफरेंस होता है तो आई आर माइनस जे आई एल आई की वैल्यू अंडर रूट आई आर स्क्वेयर प्लस आई एल का स्क्वेयर ठीक बात है करेंट अब आई टेन इनवर्स माइनस आई एल बाई आई आर क्यों आप जब भी ऐसा लिखते हो तो बाहर माइनस ले लेते हो क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में होते हैं ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती मैं पहले भी बता चुका हूँ ये एंगल ऑफ आई क्योंकि कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ ना कोऑर्डिनेट की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ तो ये एक्स है ये वाई ये बिहेवियर ऐसा होगा जैसे आर प्लस जे एक्स वाला बिहेवियर यहाँ आएगा ये पता है यहाँ क्या आर प्लस जेक्स आएगा, जो कि नेटवर्क में होता नहीं यहां पे आएगा माइनस आर माइनस जेक्स जो होता नहीं में, और एक आएगा नॉट पॉसिबल रजिस्टर होगा नहीं, हो नहीं ये तो बिहेवियर बनता है जिसमें आप एंटीक्लॉक वाइस में फाइव एंगल बोलते हो जिसकी वैल्यू टेन इनवर्स इमेजनरी बाई रियल रहती है एक्स बाई आर ये आप ये वाला एंगल बोलते तो एंटीक्लॉक वाइस है ऊपर वाला फर्स्ट कॉर्डनेट और फोर्थ वाला क्लॉक वाइज द क्लॉक वाइज जब मैं क्लॉक वाइज में एंगल लिखता हूँ कि कितना होता है फाइव तो क्लॉक वाइज में जब एंगल आप मेजर करते हैं तो टेन इनवर्स इमेजनरी बाई रियल तो माइनस एक्स बाई आर होता है और ये नेगेटिव हो जाता है तो माइनस टेन इनवर्स एक्स बाई आर हो जाता है ये फाइव तो फोर्थ कॉर्डिनेट का एंगल नेगेटिव होता है अगर मैं बोलूं जो कि आप यूज नहीं कर सकते नेटवर्क में ये ये सेकंड कोऑर्डिनेट का एंगल पता है आपके पास एंगल आप प्लस जे एक्स इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि नेटवर्क में जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज रियल पार्ट नेगेटिव नहीं होगा अदरवाइज इसका एंगल कितना होता पता है जब मैं कॉर्डिनेट पढ़ाऊंगा वन एटी माइनस टेन इनवर्स एक्स बाई आर ये वन एटी माइनस टेन इनवर्स एक्स बाई आर अगर मैं बोलूँ कि बताओ माइनस आर माइनस जे एक्स का एंगल कितना होगा पता आपके पास ये एंगल इतना था माइनस आर माइनस जे एक्स का एंगल ये होगा पता कितना एंगल होता है वन एटी प्लस टेन इनवर्स एक्स बाई आर मतलब फर्स्ट कॉर्डनेट के एंगल टेन वर्स एक्स वाई आर सेकंड कॉर्डनेट के एंगल वन एटी माइनस टेन वर्स एक्स वाई आर थर्ड कॉर्नेट के एंगल वन एटी प्लस टेन वर्स एक्स वाई आर और फोर्थ कॉर्नेट माइनस टेन वर्ष एक्स वाई आर है सेकंड और थर्ड कॉर्डनेट बड़े इंटरेस्टिंग होते लेकिन हमारे काम के, के लिए नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट पॉसिबल लिख दिया बिकॉज रजिस्टेंस तो पॉजिटिव रहेगा ना रजिस्टेंस नेगेटिव कहां से होगा फर्स्ट कॉर्डिनेट ये है जहां पे इंडक्टिव बिहेवियर है तो नॉर्मली ये इंडक्टिव बिहेवियर अगर मैं बोलूं कि इंडक्टिव बिहेवियर वाला पार्ट आपके पास है और यहाँ पे कैपेसिटिव है क्योंकि रिएक्टेंस नेगेटिव है दिस वन ये अगर आपको बात करना है आपके पास ये तो आर एल आपके पास बिहेवियर होता है जब आप यहाँ पे बात करते हो तो एम्पडेंस वाइज बट ठीक है ये आर प्लस जे एक्स आर माइनस एक्स दिस वन इसलिए आपके पास एंगल ये तो नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव होता है क्योंकि यह क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज में पॉजिटिव और एक क्लॉक वाइज में नेगेटिव क्लॉक वाइस एंगल हमेशा नेगेटिव एंगल मेजर करता है नीचे ना दिस वन ये सब होता है एंगल की स्टोरी होती है बहुत ज़्यादा भाई एंगल की स्टोरी में जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि लिए आपके आसान है आपके लिए आसान क्या है क्योंकि फर्स्ट कॉर्डिनेट तो दुनिया में सभी को पता है और किसी को बोल दिया जाए कि भाई ज़्यादा मत सोचना माइनस लगा देना तो लगा देगा लेकिन अगर किसी को सेकेंड और थर्ड कॉर्डिनेट के साथ भी खेला जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा माइनस यहाँ लगा वहाँ नहीं लगा वहाँ नहीं लगा तो अभी ठीक है अभी आपका एडवांटेज है क्या एडवांटेज है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए बिंदास से जब भी माइनस आता है माइनस टेन वर्ष आई एल बाई आई आर लिख दिए हम लोग करेंट का एंगल देखो ध्यान से पैरल आर एल नेटवर्क है बोला ये आपके पास एक फिगर बनाया मैं बोला कि देखो आपके पास फर्स्ट कॉर्डिनेट का जो एंगल होता है वो टेन वर्स इमेजनरी बाय रियल होता है सेकंड कॉर्डिनेट का एंगल वन एटी माइनस टेन वर्स इमेजनरी बाय रियल एक् एक् एक्स बाई आर नॉट माइनस आर माइनस के कारण तो वन हुआ थर्ड कॉर्डिनेट होता है वन एटीटी प्लस टेन वर्स एक्स बाई आर इसकी जरूरत नहीं पड़ती जब जरूरत पड़ेगी तब हम बात करेंगे अभी तो जरूरत नहीं है और फोर्थ कॉर्डनेट जो होता है क्योंकि क्लॉक वाइज इसलिए नेगेटिव एंगल क्लॉक वाइज यूज फॉर द नेगेटिव एंगल एंटी क्लॉक वाइज यूज फॉर द पॉजिटिव एंगल ओके नो प्रॉब्लम तो फोर्थ क्वारिनेट में नेगेटिव एंगल फर्स्ट में पॉजिटिव एंगल, नेटवर्क थ्योरी में इतना ही होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा इमेजनरी पार्ट या तो पॉजिटिव होगा दैट मीन द इंडक्टिव इफेक्ट इमेजनरी पार्ट नेगेटिव होगा ड्यू टू द कैपेटी इफेक्ट बस इतना ही है चलो तो आज का सेशन अपन एंड करते हैं